नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कुशैतन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगनी थी और जो बी फार्मा की सेकंड मेरिट लिस्ट लगनी थी, वो मेरिट लिस्ट लग चुकी है। वो किस प्रकार से आपको डाउनलोड करनी है और उसके बाद आपको फ़ीस कैसे पेमेंट करनी है, और इसी के साथ ही जिन भी स्टूडेंट का थर्ड मेरिट लिस्ट तक, यानी कि पहली में नाम नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया और तीसरी में भी नाम नहीं आया, अब उन स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपकी चौथी मेरिट लिस्ट कब लगेगी, और जिन भी स्टूडेंट ने अपनी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद फीस पेमेंट नहीं करी, उनको अब क्या करना पड़ेगा, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो एमए हिंदी की मेरिट लिस्ट है, एक मैं मेरिट लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। आपको फीस पेमेंट करने से पहले कैसे फीस पेमेंट करनी है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे ये तीन पॉइंट पढ़ने हैं। अगर आप बीसी कैटेगरी के हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट ये लगाना पड़ेगा, ये देख लेना, और जो परिवार पहचान पत्र है ये अपलोड करना पड़ेगा आपको सभी को। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ये भी लगाना पड़ेगा, न्यू देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम देखना है यहाँ पे, ठीक है। नाम देखने के बाद आपको मैं पोर्टल दिखा देता हूँ जहाँ से ये मेरिट लिस्ट डाउनलोड होगी। यहाँ से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट आ चुकी है वो देख लेना, जिनकी रहती है वो आ जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ पे बी फार्मा की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। बी फार्मा की जो फीस है वो आप आज ही, आपके पास टाइम है, आज ही आप इसकी फीस पेमेंट करोगे, ठीक है, आगे आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और बाकी जो स्टूडेंट है वो 27 तारीख तक अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पे क्लिक करना है, और फीस पेमेंट करने के लिए ये साइड में ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। और आपकी जो यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आपको लॉगिन करके, जब आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा, जब मिला होगा आपको, लॉगिन करके उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट बोला गया है मेरिट लिस्ट में वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, ठीक है। फ़ीस पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट का नाम नहीं आया तीन मेरिट लिस्ट लग, उनको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगी है, यानी कि आज लगी है, और इसकी फ़ीस आप 27 तारीख तक फिल कर सकते हैं। और ये जो आपका शेड्यूल था इसको चेंज कर दिया है, इसका नया शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि चौथी मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पे देख लीजिए 10 नवंबर को लगेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 12 नवंबर तक उसकी फ़ीस फिल जो है वो कर सकोगे। और ये मेरिट लिस्ट तभी लगेगी अगर सीट खाली होगी, ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में, आप उस डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं उसमें सीटें हैं या नहीं, या यूनिवर्सिटी भी वैकेंट सीट की जो लिस्ट है वो डाल देगी, ठीक है। उसके बाद अगर एडिशनल सीटें बचती हैं तो उसके बाद 15 तारीख को मेरिट लिस्ट लग जाएगी, ठीक है, 15 नवंबर को। और लेट जो एडमिशन है वो यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली है, देखिए, जिन भी स्टूडेंट का तीन मेरिट लिस्ट तक नाम नहीं आया, ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कि मैं एलिजिबल हूँ, शायद अगली में मेरा नाम आ जाए, चौथी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, तो उन स्टूडेंट को, और जिनका नाम आ चुका था और उन्होंने अपनी फ़ीस पेमेंट नहीं करी, उन स्टूडेंट को अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी डालेगी 28 तारीख को आपके पास वेकेंट सीट आ जाएगी कि कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी जारी कर देगी, ठीक है, साइट पे हम आपको बता देंगे। और 100 रुपये की आपको अपनी लॉगिन आईडी करके उसमें अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, ठीक है, उसमें अटेंडेंस लगा के 100 रुपये का जो फीस है वो कटवानी पड़ेगी। अगर अगली मेरिट लिस्ट आएगी जैसे चौथी, उसमें अगर आप एलिजिबल होगे तो आपका नाम आ जाएगा, अगर ये अटेंडेंस आप नहीं लगाते तो आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना बात, आपको अटेंडेंस लगाना जरूरी है, यूनिवर्सिटी ने खुद बोला है ये, ठीक है। और बाकी जो भी आपका डाउट है तो कमेंट करके बता देना। धन्यवाद, जय हिंद।